गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। स्टार्ट हुआ लेक्चर। आंखें दिखने लगी। स्टार्ट हुआ, दिख तो नहीं रहा। ओके ओके, नहीं नहीं मुझे कुछ की आवाज नहीं सुननी। थैंक यू। हाय सानिया, क्या बात है। सानिया पहले आ जाती है, सबसे पहले सानिया ही आती है, मेरे से पहले सानिया आ जाती है। हेलो, गुड इवनिंग। लेट्स स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट। ओके, क्या दिख रहा है आपको? ओके, हेलो अक्षय, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो लोग पहली बार मिल रहे हैं हमसे, वेलकम, वेलकम टू बायो हैंकर्स एंड वेलकम टू द मोस्ट वांटेड सीरीज, यानी कि तुम्हारा ब्रेकनेक सीरीज जो कि है द मोस्ट वांटेड सीरीज। यस, सो जो लोग पहली बार मिल रहे हैं, माय नेम इज काजल सिंह। आई हैव डन माय बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी, पर्सुइंग एमटेक इन फूड बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स बीन मोर देन 4 years दैट आई एम टीचिंग बायोलॉजी एंड दिस इज माय कोड। डू नॉट फॉरगेट माय कोड KJLIFE10। ओके, दिस इज अबाउट मी एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अभी आ ही गए हो तो जल्दी से एक लाइक डाल दो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, लेट देम नो दैट वी आर डूइंग NCERT अंडरलाइन, यस, लेट देम नो अबाउट इट। ओके, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल, यस। अपार्ट फ्रॉम दैट, डिस्क्रिप्शन में मैंने तुम लोग को एक लिंक दिया है गूगल डॉक्यूमेंट का, मेरे हर वीडियो का, उसमें यूट्यूब लिंक्स, टॉपिक वाइज जो भी यूट्यूब लिंक्स है, अलॉन्ग विद PDF, एवरीथिंग इज प्रेजेंट ओवर देयर। ठीक है, सो यू कैन टेक अ नोट ऑफ इट। यस, कूल, चलो स्टार्ट करते हैं। अरे ये क्या चालू हो गया। सो गाइज, इफ यू गाइज नो, हमने लास्ट लेक्चर डायग्राम किया। यस, आई होप यहाँ पे सारे वही बच्चे हैं जिन्होंने पिछला लेक्चर अटेंड किया, क्योंकि ये लेक्चर कंटिन्यूएशन में होने वाला है। यस, हेलो दिबेश, अक्षय, यश, सुमन, सानिया, मोहित। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, वी विल स्टार्ट डायरेक्टली विथ आवर टॉपिक, जो कि हमने आधे पे छोड़ा था। तो हमने डायग्राम्स तो कर लिए थे, बस हमारा करना बाकी था थ्योरी पार्ट। यस, डायग्राम्स हो चुका था, थ्योरी पार्ट करना था, वो भी थ्योरी पार्ट टीथ के बाद वाले सेक्शन से करना था, यानी कि ये वाले सेक्शन से, है ना, बराबर यही वाले सेक्शन से ना गाइस। यस, ये वाले सेक्शन से हमारा थ्योरी पार्ट करना बाकी था। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। ओरल कैविटी तक सारी चीजें हो गई थी, अब आगे का बारी। सो एक सेकंड रुको। ओके, सो नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द ओरल कैविटी। यस, ओरल कैविटी में, ओरल कैविटी जाता है शॉर्ट फैरिंग्स में। यस, फैरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। फैरिंग्स क्या है? कॉमन पैसेज है, खाना भी वहीं से जाता है, एयर भी वहीं से जाता है, ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। इसमें से आधी से ज्यादा चीजें, यस, आधी से ज्यादा चीजें हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी कर चुके हैं। देखो यहाँ पे फैरिंग्स है, यस, ये कॉमन पैसेज है फूड एंड एयर का, बराबर। सो आधी से ज्यादा चीजें हम लोग लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। तो जिसने अभी तक लास्ट लेक्चर नहीं अटेंड किया, जल्दी से जाके देख लो, या फिर एटलीस्ट कीप इट फॉर द प्लेलिस्ट। यस, तो यहाँ पे जो ईसोफेगस है, ईसोफेगस एंड ट्रकिया आता है, यानी कि तुम्हारा फूड पाइप इज योर ईसोफेगस, योर एयर पाइप इज योर ट्रकिया। यस, जिसको हम विंड पाइप बोलते हैं। विंड पाइप आगे की तरफ होता है और ईसोफेगस पीछे की तरफ, राइट? हाँ या ना? हाँ, विंड पाइप आगे की तरफ, ईसोफेगस पीछे की तरफ। खाना तुम्हारे विंड पाइप में ना चला जाए, इसीलिए कार्टिजिनस फ्लैप होता है कॉल्ड एपिग्लॉटिस। क्या? एपिग्लॉटिस। ये एपिग्लॉटिस क्या करता है? खाने को प्रिवेंट करता है कि वो विंड पाइप में ना चला जाए। यानी कि क्या, ये तुम्हारा क्या है, दिस इज योर फूड पाइप। यस, दिस इज योर विंड पाइप। इंसान ऐसे खड़ा है, ठीक है। यस, तो ये उसका विंड पाइप है, ये उसका फूड पाइप है। विंड पाइप आगे है, फूड पाइप पीछे है। मुंह कहाँ रहेगा? यहाँ पे, ये मुंह है इधर, ये पूरा रीजन खुला है, ये पूरा रीजन खुला है हवा जाने के लिए, तो विंड जा रहा है। बट जैसे ही तुम खाना खाने जा रहे हो, ये मुंह से खाना आने वाला है, तो चांसेस है कि इधर गिर जाएगा, इधर रेस्पिरेटरी सिस्टम में गिर जाएगा। हमको नहीं चाहिए कि वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में गिरे, इसलिए यहाँ पे एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है। यस, एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है। वो फ्लैप क्या करेगा?
जैसे ही तुम कुछ स्वॉलो करने जाओगे, यस इट विल ओ, ये क्या करेगा, नीचे गिर जाएगा, ओपन बोलने वाली थी, इट विल क्लोज द विंड पाइप। जैसे ही तुम स्वॉलो करोगे, यहां से स्वॉलो किया, ये क्लोज कर दिया विंड पाइप को, खाना इधर से गिर के इधर चला गया, ठीक है। लेकिन ये विंड पाइप में नहीं जा पाता, वाई, बिकॉज ऑफ दैट एपिग्लॉटिस, ठीक है। सो दैट इज द रीजन ग्लॉटिस ओपनिंग ऑफ द विंड पाइप स्वॉलोइंग के टाइम पे ये प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ फूड को, ओके। ईसोफेगस कैसा है, थिन लॉन्ग ट्यूब है, यस, बड़ा सा ट्यूब है जो कि मस्कुलर ट्यूब, मस्कुलर ट्यूब बोला है क्योंकि ये करता है पेरिस्टाल्सिस मोमेंट, यस। क्या करता है गाइस, इसमें हमको देखने को मिलता है, यस, इसमें हमको क्या देखने को मिलता है, इसमें हमको देखने को मिलता है पेरिस्टाल्सिस करते हुए, यस, इट डज पेरिस्टाल्सिस, राइट, स्वॉलोइंग के टाइम पे। सो ईसोफेगस कैसा है, अगेन ईसोफेगस इज थिन, इट इज थिन लॉन्ग ट्यूब विच एक्सटेंड्स पोस्टीरियरली, यस, पीछे की तरफ, पोस्टीरियर, पासिंग थ्रू द नेक, थोरैक्स एंड डायफ्राम। नेक, थोरैक्स, डायफ्राम, यानी कि पूरा थोरासिक कैविटी में ऑल वी गेट इज ईसोफेगस, पूरे थोरासिक कैविटी में सिर्फ और सिर्फ ईसोफेगस होता है। फिर जाता है एब्डोमेन में और स्टार्ट होता है जे शेप बैक से। किधर से स्टार्ट होता है जल्दी बताओ, आई एम चेकिंग द चैट, लास्ट लेक्चर में बताया था जे शेप में कौन से पार्ट में एंटर करता है, यस, अजिंक्य तुमको सीरीज नहीं याद रहते, लेक्चर का टाइमिंग नहीं याद रहता, ग्रुप में मैसेजेस नहीं समझ में आता, और तुमको मैं वाह 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 बेटा वाह, आई हैव आस्क्ड द क्वेश्चन एंड आई एम वेटिंग फॉर द आंसर। ईसोफेगस स्टमक में गया तो वो कौन से पार्ट में एंट्री मारेगा स्टमक के, पिछले लेक्चर में इतना बताया मैंने, आधा घंटा नहीं हुआ अभी उस चीज को। अरे बाकी कहाँ है स्टूडेंट्स, सो रहे हैं क्या, अरे यस, इधर तो सब नए नए दिख रहे हैं मुझे, वैसे तो मैं ही आंसर दे देती हूँ क्योंकि तुम लोग को बताऊंगी, तुम लोग को टाइम लगेगा आंसर करने को। सो यस, इट इज, क्या पूछ रही थी, जे शेप, हाँ, कार्डियक, कौन से पार्ट में एंट्री होती है, कार्डियक पार्ट में, ठीक है। कार्डियक मतलब क्या, हार्ट नहीं, हार्ट नहीं, स्टमक का जो पार्ट होता है ना, जैसे स्टमक इस तरीके से रहता है, अरेंज ऐसा अरेंज रहता है ना, मतलब यहाँ पे ऑब्वियसली, तो ये जो पार्ट होता है ये कार्डिया होता है, तो ईसोफेगस सीधा कार्डिया में एंटर मारता है, ठीक है। ये क्या होता है, फंडस होता है, ये होता है बॉडी, और नीचे वाला पायरोलिसिस, यस। चलो, तो स्ट्रक्चर ऑफ द स्टमक में एंट्री मारता है, और वो कौन सा स्ट्रक्चर है गाइज, याद रखना, ये लिख लेना यहाँ पे, कौन सा स्ट्रक्चर है, कार्डियक, कौन सा, कार्डियक, ठीक है, वो हार्ट के नजदीक है इसीलिए उसको हमने कार्डियक नाम दिया और कुछ नहीं, ओके। तो ये स्टमक, फिर क्या आता है, एक मस्क्यूलर स्फिंक्टर है जहाँ पे, जो हम लोग ने अंडरलाइन किया था, ऐसी कोई बात नहीं कि हमने नहीं किया था, यहाँ देखो, यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे एक स्फिंक्टर है, यस, यहाँ पे ईसो, सॉरी यहाँ पे, हाँ, ईसोफेगस और स्टमक के बीच में एक मस्क्यूलर ये है, क्या बोलते हैं, स्फिंक्टर है जिसको हम कहते हैं कार्डियक स्फिंक्टर, यस, या फिर यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज, देखो मैंने बताया था, गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर, राइट। तो सेम चीज यहाँ पे भी लिखा है कि वो स्फिंक्टर जो है, यस, वो स्फिंक्टर है गैस्ट्रो इसोफेजियल, या फिर यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज कार्डियक स्फिंक्टर, यस, गैस्ट्रो इसोफेजियल, या फिर यू कैन कॉल इट एज कार्डियक स्फिंक्टर, यस, कूल। अब स्टमक का पार्ट्स है, स्टमक के पार्ट्स हैं, स्टमक के कितने पार्ट्स हैं, फोर पार्ट्स, यस, फोर, जब मेजर पार्ट, कार्डियक बीच वाला पार्ट, यस, जहाँ पे ईसोफेगस एंट्री होता है, फंडिक पार्ट, बॉडी पार्ट, यस, एंड पाइलोरिक पार्ट, कौन सा, पाइलोरिक पोर्शन, जो कि डियोटेनम में जा, अरे स्मॉल इंटेस्टाइन में एंट्री मारता है, यस, किस में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में एंट्री मारता है, वो है तुम्हारा ये क्या बोलते हैं, स्टमक का, राइट गाइस, यस, आई होप यू गाइस रिमेम्बर ऑल दीज थिंग्स, याद है, रुको मेरा फोन चार्ज पे इसलिए मैंने, अरे रुको हो गया ऐसा, निकाल देता हूँ, यस, फर्जी नेवर स्टडिंग केमिस्ट्री क्लास 10, कोई बात नहीं, इट्स ओके। आकाश, गुड इवनिंग, पीयू, गुड इवनिंग,
मेरे घर पे कोई है नहीं तो बर्तन का आवाज कहाँ से आया? गई मैं सॉरी मैं एक्चुअली डर गई क्योंकि घर में कोई नहीं है डुब्बू को छोड़ के। डुग्गू नहीं भौंक रहा ना मतलब भूत नहीं है ना? डुग्गू नहीं भौंक रहा मतलब भूत नहीं है। कुत्ते भौंकता है ना भूत को देख के, चलो मतलब भूत तो नहीं है, होगा कुछ। हवा से, बारिश बहुत तेज आ रही है, बहुत गंदी बारिश आ रही है तो उससे गिर गया होगा कोई एक आध बर्तन, है ना? यस, पाइलोरिक स्फिंक्टर भी होता है ना। हाँ ना, होता है ना, बताया तो था यहाँ पे। देखो देखो देखो, तुम एब्सेंट थे, आना चाहिए था। ये देखो यहाँ पे, ये पाइलोरिक स्फिंक्टर, यहाँ पे देखो कार्डियक स्फिंक्टर, सब बताया था, तुमने मिस आउट कर दिया। जिंक क्या मिस आउट कर दिया, वेरी बैड वेरी बैड। आए फरजीन क्यों जला रहे हो फरजीन? हाँ पेट दुखेगा तुम्हारा पेट दुखने लगेगा बेटा, पेट दुखने लगेगा ऐसे सबको बोलोगे तो। यस चलो ओके फटाफट करते हैं। यहाँ पे सिर्फ हाईलाइट करने वाला काम है, लिखने वाला काम कुछ नहीं, क्योंकि ये हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। लिखने वाला काम पिछले लेक्चर में हो चुका है। स्मॉल इंटेस्टाइन के जो पार्ट्स हैं, तीन रीजन है, सी शेप का डियोडेनम है, मिडल वाला पार्ट है जो बहुत ज्यादा यू नो कॉइल्ड है वो मिडल पोर्शन है, जेजुनम, एंड हाईली कॉइल्ड वाला पार्ट इलियम है जो सबसे बड़ा वाला पार्ट होता है। यस सो इलियम इज द लार्जेस्ट पार्ट, यस इलियम इज द लार्जेस्ट पार्ट जो हाईली कॉइल्ड है। फिर वो इलियम जो है, यस यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी एक और एक स्फिंक्टर है, पाइलोरिक स्फिंक्टर, जो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, जो ऑलरेडी कर चुके हैं। स्टमक से डियोडेनम में जाने वाला जो स्फिंक्टर है उसको कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर, क्यों? क्योंकि वो पाइलोरिक रीजन से निकल रहा है। यस पाइलोरिक रीजन से निकल रहा है। हाँ बारिश के मौसम में एटमोस्फियर स्पिरिट्स दिख सकते हैं, डॉग्स को दिखते हैं। हाँ ना, लेकिन डॉग भौंक नहीं रहा ना तो देयर इज नो स्पिरिट। क्या बता दिया मेरे को अजिंक्या? फिर आता है इलियम, इलियम इलियम ओपन्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। इलियम ओपन होता है, यस इलियम ओपन होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। यस स्मॉल इंटेस्टाइन का तो लार्ज इंटेस्टाइन में। फिर एक नीचे वाला पार्ट आता है, यस लार्ज इंटेस्टाइन का पहला वाला पार्ट सीकम। यस कौन सा पार्ट? सीकम। यस सेम योर फर्जीन, आई रियली बिलीव इन इट, इसलिए मेरे को डर कम बट मेरे को क्यूरियोसिटी ज्यादा होती है। इट कंसिस्ट ऑफ सीकम, वो वाला पार्ट। सीकम में क्या है? सीकम है ब्लाइंड सैक, यस, जो कि सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। ये सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, तो अगर तुम लोग ने भी ऐसे सजा लिया अपने इसको एनसीईआरटी को, ये देखो यहाँ पे सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, सारे के सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, राइट? सो इफ यू गाइज आर डूइंग दिस पार्ट इट वॉन्ट बी डिफिकल्ट फॉर यू। ये सारा पॉइंट यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, ओके तो यहाँ पे सिर्फ हाईलाइट है। अब जो बच्चे नए आए हैं उनको थोड़ा प्रॉब्लम होगा, उनको लगेगा मैम इतना फटाफट क्यों जा रही है, तो बेटा नहीं फटाफट नहीं जा रही है, मैं पढ़ा चुकी हूँ, ओके क्या बात है जिनके? ये पार्ट मैंने नहीं लिखा था, यस इट इज 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, वेरी गुड थैंक यू। यस अ नैरो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है यहाँ पे जिसको हम कहते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ये क्या होता है? वेस्टिजियल ऑर्गन होता है, ठीक है? ये वेस्टिजियल ऑर्गन होता है जो कि सीकम से होता है। वेस्टिजियल क्यों? क्योंकि पहले पूर्वजों में काम का था, अब काम का नहीं है, ठीक है? बाकी डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं तो यहाँ पे हमको ज्यादा बोलना नहीं है, सिर्फ मैं हाईलाइट कर देती हूँ जो मैंने तुम लोगों को लिखवाया है, बाकी एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। तो ये सब हो चुका है, इवन ये भी हो चुका है कि स्टमक के लेयर्स कौन से, हिस्टोलॉजी, सेरोसा, मस्क्यूलारिस, यस जिसमें मस्क्यूलारिस का भी हम लोग ने देख लिया कि मस्क्यूलारिस में भी क्या क्या है, राइट? स्मूथ मसल्स हैं जो कि इनर सर्कल पे अरेंज होते हैं, आउटर लॉन्जिट्यूडनल होता है और ऑब्लिक मसल होता है इन केस ऑफ स्टमक। यस इनर आउटर, इनर आउटर लॉन्जिट्यूडनल, इनर सर्कुलर और बाहर से ऑब्लिक, यस ऑब्लिक लेयर होता है स्टमक में, किसमें? मस्क्यूलारिस में। फिर आते हैं सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा में क्या रहता है गाइस? सब म्यूकोसा कंटेन्स, यस सब म्यूकोसा लेयर में होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग नर्व्स। नर्व्स मतलब क्या? प्लेक्सस, यस ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स, ये सारी चीजें प्रेजेंट होती है। नर्व्स, ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, ये सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है? यस सेरोसा क्या है? आउटर मोस्ट लेयर है, इसमें प्रेजेंट होता है मीजोथीलियम के साथ साथ
कनेक्टिव टिश्यू, यहाँ पे सिर्फ एपिथीलियम लिखा है बट इट इज सिंपल स्क्वामस एपिथीलियम। यस, सिंपल स्क्वामस एपिथीलियम जो कि मीजोटर्म उसका ओरिजिन होता है। सो सिंपल स्क्वामस एपिथीलियम जो कि ज्वाइंट होता है कनेक्टिव टिश्यू पे, टू बी वेरी ऑनेस्ट इट इज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, उसके साथ बनता है मीजोथीलियम, ये हो गया तुम्हारा सेरोसा, ठीक है। इस तरीके से सारे लेयर्स प्रेजेंट है और लास्ट में आता है म्यूकोसा। जी यस, म्यूकोसा लास्ट में आता है, इनर लेयर जो है एलिमेंट्री कैनाल का म्यूकोसा है, वो क्या करता है रुगे बनाता है, ये मैंने नहीं बताया था, रुगे बनाता है, क्या बनाता है रुगे, रुगे मतलब क्या, रुगे मतलब ऐसे जो यू नो जैसे तुम लोग खाली पेट होता है ना, खाली पेट एम्प्टी स्टमक के टाइम पे तुमको लगता है कि यू नो जैसे तुम लोग अभी नालायक लोग बता रहे हो मैं समोसा खा रहा हूँ, कोई फिर फर्जीन बोल रही है कि मैं ये खा रही हूँ क्या बोलते हैं मोमोज खा रही हूँ, तुम जैसे बेशरम जैसे मेरे को बता रहे हो और मैं यहाँ पे कंटिन्यूस लेक्चर ले रही हूँ, मैंने पता है क्या खाया, मैंने पता है क्या मेरा क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी पता है क्या था, तुम लोग नालायक लोग लेक्चर बैठ बैठ के ये सब खा रहे हो और मुझे बता भी रहे हो। हमने खाया एक चीज स्लाइस, उसके ऊपर ओरिगैनो डाल के उसको फोल्ड करके मैंने खा लिया, ये था हमारा खाना लेक्चर के बीच में ताकि थोड़ी एनर्जी रहे। यस तुम लोग समोसा मोमोज खा रहे हो, मुझे सुना भी रहे हो, सबका पेट दुखेगा, सबका पेट दुखेगा देखना ओके चलो आई विश प्रोटीन बार होता। ये क्या है, इरेगुलर फोल्स है स्टमक के, इरेगुलर फोल्स है, तो जब स्टमक खाली रहता है तो तुमको इरेगुलर फोल्स देखने को मिलते हैं, लाइक झुरिया जैसे यहीं से बंद हो जाता है क्योंकि खाली है, बट जैसे ही खाने में आ जाता है वो नहीं, वो कार्टून में नहीं दिखाते क्या, कार्टून में वो ऐसे अजीब सा ऐसे ऐसे मतलब ये स्टमक है ना इस तरीके, रुको स्टमक का स्ट्रक्चर कैसे बना रही हूँ मैं, हाँ ये देखो इस तरीके से होता है ना स्टमक इस तरीके से, तो वो नहीं कार्टून में दिखाते हैं वो ऐसे ऐसे होने लगता है पेट में गुड़ 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 हो रही है, तो कार्टून में दिखाते हैं ना ऐसे गुड़ 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 हो रही है पेट में, तो उसका पेट ऐसा लिटरली कार्टून में दिखाते हैं कि ऐसा 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 हिल रहा है। यस है ना, है ना, हाँ, तो वो क्या है, दैट इज नथिंग बट योर रुगे, तो वो कार्टून में दिखाते हैं भले बट वो सही बात है ऐसी होता है ना। फर्जीन इज नॉट ईट, अरे हाँ बाबा वो अजिंक्य ने बोला, अजिंक्य ने बोला ओके चलो यस। अरे चैट बंद ही रखना चाहिए था पिछले बार की तरह, इस बार मैं देखो टाइम पास हो जाता है मेरा फिर यहाँ पे होते हैं विलाय, क्या होता है विलाय, स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं विलाय, विलाय क्या होते हैं छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक लेयर्स होते हैं जो कि सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, क्या करते हैं सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, सरफेस एरिया बढ़ाने की वजह से, सरफेस एरिया बढ़ाने की वजह से क्या हो जाता है एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है, क्या होता है एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है, तो द मोर सरफेस एरिया द मोर इज द एब्जॉर्प्शन, द मोर द सरफेस एरिया द मोर इज द एब्जॉर्प्शन। तो देखो यहाँ पे दिया है ब्रश बॉर्डर देखने को मिलता है, व्हाट इज ब्रश बॉर्डर, ब्रश बॉर्डर बोलते ही समझ जाओ कौन सा एपिथीलियम है गाइस, ब्रश बॉर्डर बोला मतलब, ब्रश बॉर्डर बोला यानी कि इट इज कोल्यूमिनार एपिथीलियम, ब्रश बॉर्डर कोल्यूमिनार एपिथीलियम, यस ब्रश बॉर्डर कोल्यूमिनार एपिथीलियम इज नथिंग बट योर ये तुम्हारा बेसिकली यहाँ पे समझ जाना, कंफ्यूज कर सकते हैं कि माइक्रोविला में कौन सा एपिथीलियम है, ब्रश बॉर्डर लिखा ही नहीं रहेगा, तो समझ जाना इट इज कोल्यूमिनार एपिथीलियम जिसके ऊपर ये ब्रश बॉर्डर रहता है, माइक्रोविला रहता है जो क्या करता है, जो बहुत ज्यादा सरफेस एरिया इंक्रीज कर देता है। यस सरफेस एरिया इंक्रीज करने की वजह से क्या होता है यहाँ पे बहुत ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है, क्या होता है बहुत ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। यस नॉट जस्ट दैट दे ऑल्सो हैव कैपिलरीज, कैन यू सी योर विलाय लैक्टियल, यस लैक्टियल्स क्या है गाइज, लैक्टियल्स आर नथिंग बट तुम्हारा जो लिम्फैटिक होता है ना, लिम्फैटिक की कैपिलरीज, लिम्फैटिक कैपिलरीज, लिम्फैटिक वेसल्स प्लस कैपिलरीज मिलके होता है तुम्हारा लैक्टियल, क्या है लैक्टियल, ठीक है, दैट इज योर लैक्टियल, सो लैक्टियल इज नथिंग बट यू कैन सी ओवर योर विलाय सपोर्टेड या सप्लाइड विद अ लार्ज नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज एंड अ लार्ज लिम्फ वेसल्स कॉल्ड एज लैक्टियल, ठीक है, दैट इज योर लिम्फैटिक वेसल लैक्टियल, ओके। म्यूकोसल एपिथीलियम गॉबलेट सेल्स होता है, म्यूकोसल एपिथीलियम जो है इसमें गॉबलेट सेल्स होता है, गॉबलेट सेल्स क्या करते हैं सिक्रीशन करते हैं, यस सिक्रीशन करते हैं, स्टमक का अंदर का लाइनिंग जो होता है उसको प्रोटेक्ट करते हैं, क्या करते हैं स्टमक के अंदर के लाइनिंग को प्रोटेक्ट करते हैं, और लेट मी टेल यू गॉबलेट सेल्स जो है ना, गॉबलेट सेल्स जो सिक्रीशन का काम करते हैं,
गॉबलेट सेल्स, दिस इज अ फैक्ट, एनसीईआरटी में आएगा. गॉबलेट सेल्स इज द ओनली यूनिसेल्यूलर ग्लैंड. ये तुम्हारे पूरे बॉडी में ये अकेले का एक लौता यूनिसेल्यूलर ग्लैंड प्रेजेंट है. तो ये जो है विलाय जो है सरफेस एरिया इंक्रीज कर देता है. तो जब मैं बोलती हूँ कि सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहा है तो कितना इंक्रीज कर रहा है, हाउ मेनी टाइम्स, ये बोल रहे सरफेस एरिया एनॉर्मसली इंक्रीज कर रहा है, यानी कि 600 टाइम्स. कितना 600 टाइम्स, कितना 600 टाइम्स, मतलब एनॉर्मसली मतलब बहुत ज़्यादा, बट कितना 600 टाइम्स, कितना 600 टाइम्स ज़्यादा. ओके और क्या है, और क्या है, फिर ये लास्ट पार्ट है, दैट इज योर द म्यूकोसा ऑल्सो फॉर्म्स ग्लैंड इन द स्टमक, जिसको कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो गैस्ट्रिक सिक्रीशंस करता है. एंड क्रिप्स क्या है गाइज, क्रिप्स जो है वो तुम्हारे विलाय के बेस है एंड इंटेस्टाइन, दैट इज जैसे एग्जाम्पल दिया है क्रिप्स ऑफ लिबरकून, क्रिप्स ऑफ लिबरकून, ये एक तुम्हारा लेयर है जो विच इज बिटवीन द बेस ऑफ विलाय. And you can see over here between the base of villi and your intestine. ठीक है, yes, ये villi है और ये intestine है, उसके बीच का जो है वो है तुम्हारा, yes, villi और intestine के बीच का जो है that is crypts. Example, intestine का जो crypts है वो है crypts of Lieberkuhn, crypts of Lieberkuhn. ठीक है, यहाँ पे खत्म होता है हमारा डाइजेस्टिव एलिमेंट्री कनाल. एलिमेंट्री कनाल हो गया है पार्ट वन में, अब पार्ट टू चल रहा है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. उसके पहले किसी को कोई तकलीफ, कोई डाउट? यस, अरे चार्ज नहीं दिख रहा. सब लोग हाँ, हाँ जी, हाँ लैग हो रहा है. Are you guys kidding me? पूरा लेक्चर लैग हो रहा था क्या? नहीं ना, सुना ना तुम लोग ने? इज एवरीथिंग क्लियर गाइस? यार ये ऐसे क्यों हो रहा है? Is it lagging? हाँ अभी दिख रहा है मुझे, अब दिख रहा है. ओके चलो, वापस लैग हो रहा है, मेरे इसमें ही लैग हो रहा है, तुम लोग को नहीं होगा, जान दो मेरे मोबाइल का प्रॉब्लम हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे बहुत बारिश है और मैंने जानबूझ के वाईफाई पे कनेक्ट नहीं किया ताकि स्ट्रीमिंग प्रॉब्लम ना हो. ठीक है, तो होगा, कुछ प्रॉब्लम होगा, जान दो. हाँ तो आगे बढ़ते हैं. ये सजिंग के क्या पूछ रहे हो, बीच बीच में हो रहा था लैग. ओके दैट्स इट, स्टार्ट करें. चलो, उसका फंक्शन, किसका फंक्शन अजिंक्य, किसका फंक्शन पूछा तुमने? लैग अब हुआ, अयो सानिया ने बोला लैग हुआ इसलिए पूछ रही हूँ. चलो कोई ना, लैग नहीं भी हुआ भी रहेगा तो बाद में रिज्यूम हो जाएगा, कंटिन्यू करते हैं. ठीक है, 4 seconds के लिए हुआ था. ओके अब नहीं हो रहा. ओके कूल. तो बात करते हैं हम लोग डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की. ठीक है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की, तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आर एसोसिएटेड विद एलिमेंट्री कनाल. फटाफट करते हैं, ये पूरा थियोरेटिकल है, पूरा क्या है, थियोरेटिकल है गाइस. कि डाइजेस्टिव ग्लैंड जो होता है ये एलिमेंट्री कनाल से एसोसिएटेड होता है, जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड हो गया, लिवर हो गया, पैनक्रियाज हो गया. यस, सलाइवा जो है, सलाइवा इज मेनली प्रोड्यूस्ड बाय थ्री पार्ट्स. सलाइवा तीन पार्ट्स से प्रोड्यूस होता है, सलाइवरी ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड एंड सब मैक्सिलरी सब मैंडिबुलर ग्लैंड, जो कि हम पढ़ चुके हैं. यस, और ये सारे के सारे ग्लैंड्स, ये देखो यहाँ पे एक बहुत अच्छा लाइन आने वाला है, बहुत ही बेहतरीन लाइन आने वाला है. वो ये है कि सारे के सारे ग्लैंड्स आउटसाइड द बकल कैविटी होते हैं. अरे अरे अरे, कितना डार्क हो गया.
सारे के सारे ग्लैंड्स किधर होते हैं गाइस? सारे के सारे ग्लैंड्स बकल कैविटी के बाहर होते हैं। कहाँ होते हैं? बकल कैविटी के बाहर। यानी कि अब तक हमको लगता था मुंह में हो रहे हैं ग्लैंड्स, सारे ग्लैंड्स मुंह में, नहीं, बकल कैविटी के बाहर हो रहे हैं। ठीक है, यस, बकल कैविटी के बाहर हो रहे हैं। क्या बात है फर्जी। ओके, बकल कैविटी के कहाँ हो रहे हैं? बाहर, बाहर की तरफ है। इट इज आउटसाइड द बकल कैविटी, नॉट इधर, इस साइड, अंदर बाहर की तरफ, बकल कैविटी में नहीं है। तो सब मैक्सिलरी, सब मैंडिबुलर, ये सारे हम लोग देख चुके हैं कहाँ प्रेजेंट है। मैंने यहीं पे तुम लोग को बता दिया था, यस, यहीं पे बता दिया था कि कैसे सब मैक्सिलरी, सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। बीनिथ द लोअर जॉ, सेरस फ्लूइड्स, म्यूकस, मतलब सलाइवा बेसिकली सिक्रीट करता है। सब लिंगुअल जो है आमंड शेप का होता है। अंडर द टंग, ये मेजरली सलाइवरी ग्लैंड्स यानी कि सलाइवा सिक्रीट करता है, राइट? तो अब हम देखेंगे कि सलाइवा के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है। मेन चीज हमने कर लिया, अब थियोरी करना है, बस थियोरी करना है। सलाइवरी जूस सिक्रीट हो रहा है। क्या सिक्रीट हो रहेगा? ये सलाइवरी जूस सिक्रीट हो रहा है इनटू द बकल कैविटी, राइट? फिर दूसरा ग्लैंड आता है तुम्हारा, दूसरा ग्लैंड आता है लिवर, जो कि सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी है। क्यों? क्योंकि वो 1.2 टू 1.5 केजी वे करता है इन एडल्ट ह्यूमन। ठीक है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। क्या क्वेश्चन आएगा कि एडल्ट ह्यूमन में 1.2 टू 1.5 केजी जो है एडल्ट ह्यूमन का लिवर जो है वो वे करता है, यानी कि सबसे बड़ा ग्लैंड। सबसे बड़ा ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है? एब्डोमिनल कैविटी में। कहाँ प्रेजेंट है? एब्डोमिनल कैविटी, जस्ट तुम्हारे डायफ्राम के नीचे। और उसमें होते हैं दो लोब, उसमें होते हैं दो लोब, ठीक है? बिकॉज ये लिवर का लोब से, इसलिए इसको कहते हैं हेपेटिक लोब्यूल्स। यस, बिकॉज इट इज लिवर का लोब, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज हेपेटिक लोब्यूल्स। ठीक है, ओके, क्या हो गया? ओके, यस, पैराटॉइड का मेन फंक्शन यही है कि वो ल्यूब्रिकेशन में हेल्प करता है, बहुत ज्यादा म्यूकस सिक्रेट करता है, बहुत ज्यादा सलाइवा सिक्रेट करता है। ठीक है, चलो, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होते हैं हेपेटिक सेल्स। जितने भी लिवर के सेल्स होते हैं उसको कहते हैं हेपेटिक सेल्स। क्या बोलते हैं? हेपेटिक सेल्स। ठीक है, ईच लोब्यूल, तुम्हारे लिवर का हर एक लोब्यूल में कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है, जिसको कहते हैं ग्लिंसन। क्या कहते हैं? ग्लिंसन। जिसमें भी कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं, यहाँ पे जो कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होगा उसको कहेंगे ग्लिंसन। और ये जो ग्लिंसन है, लेट मी टेल यू, एक एमसीक्यूज है इस पे, यस, ग्लिंसन पे एक एमसीक्यूज है, वो ये है कि इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर। फीचर ऑफ मैमेलियन लिवर, मतलब ये जो ग्लिंसन कैप्सूल है, ग्लिंसन कैप्सूल सिर्फ मैमल्स में देखने को मिलेगा। ये बन जाता है कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमेलियन लिवर, यानी कि तुम्हारे बाकी के जो होंगे एम्फीबियंस होंगे ये सारे, इसमें तुमको ग्लिंसन कैप्सूल नहीं मिलने वाला है। ठीक है, ग्लिंसन कैप्सूल कतई नहीं मिलेगा। तो अब देख लेते हैं सलाइवा में क्या क्या होता है। ठीक है, सलाइवा जो हो सिक्रीट हो रहा है, इधर लिखा है क्या? नहीं ना, हाँ ये कर लेते हैं, फिर बताते हैं सलाइवा क्या क्या सिक्रीट करता है। तो हेपेटिक जो है, हेपेटिक डक्ट फ्रॉम द लिवर फॉर्म्स द कॉमन बाइल डक्ट। हेपेटिक डक्ट फ्रॉम द लिवर फॉर्म्स द कॉमन बाइल डक्ट। यस, यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे कॉमन बाइल डक्ट बन रहा है। अरे यस, यहाँ पे देखो कॉमन बाइल डक्ट बन रहा है यहाँ पे। और ये दो जो है, ये दो क्या है? ये डक्ट्स ऑफ लिवर है जो कि दो लोब्यूल से आ रहे हैं, दो लोब्यूल से, यानी कि एक लेफ्ट, नहीं, इधर राइट आएगा और इधर लेफ्ट आएगा। लेफ्ट और राइट हेपेटिक डक्ट से आ रहा है, जो डक्ट जुड़ रहा है और कॉमन हेपेटिक डक्ट बना रहा है। अब ये कॉमन हेपेटिक डक्ट और तुम्हारा पैनक्रियाटिक डक्ट जुड़ता है और साथ में बनाता है कॉमन, ये पूरा जो है बनाता है तुम्हारा कॉमन बाइल डक्ट, और ये बनाता है तुम्हारा फाइनली कॉमन डक्ट। यस, ये क्या बनाता है? हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट, जो कि नीचे लिखा है ये, अरे हाँ, ये बनाता है हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। यस, कूल। डियोडेनम हो गया, डक्ट फ्रॉम द गॉल ब्लैडर, जो गॉल ब्लैडर से डक्ट आ रहा है वो, और ये गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर में क्या होगा? यहाँ पे तुम्हारा जो तुम्हारा गॉल ब्लैडर है, यहाँ पे स्टोर होता है, यस, स्टोर होता है बाइल। ये हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, ये बाइल का इंक्रीज हो जाएगा स्टोरेज, मतलब ये यूज नहीं हो रहा,
यस नॉट यूज, तो इसका स्टोरेज इंक्रीज होता जाएगा. यस इसका कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता जाएगा, जिसकी वजह से ये बन जाएगा बाइल स्टोन्स. क्या बन जाएगा? बाइल स्टोन्स. और ये जो बाइल स्टोन है, वाइल्ड स्टोन्स नहीं है, ज्यादा गाना मत गुनगुनाओ, सबके दिमाग में गाना बज गया होगा. बाइल स्टोन्स क्या है? बाइल स्टोन्स, यस नॉट वाइल्ड स्टोन्स, बाइल स्टोन्स. बाइल स्टोन्स ये बनते हैं कोलेस्ट्रॉल से. किससे? कोलेस्ट्रॉल से. कोलेस्ट्रॉल जमा होता है, दैट इज नथिंग बट योर बाइल स्टोन्स. ये कोलेस्ट्रॉल जो जमा होता है, कोलेस्ट्रॉल जो जमा होता है, दैट इज नथिंग बट योर बाइल स्टोन्स. और ये कोलेस्ट्रॉल अगर नहीं निकला बराबर से, ये स्टोन्स बन गए और ये बराबर से नहीं निकले, जमा होते जा रहा है, इट विल बी वेरी हार्मफुल. जिसके वजह से हमको क्या करना पड़ता है? हमको रिमूव करना पड़ता है गॉल ब्लैडर को. यस सो देयर इज रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर. गॉल ब्लैडर को इधर से कट करके रिमूव कर दिया जाता है. और ये प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ये प्रोसेस को हम कहते हैं, ये तुमको पता रहना चाहिए, क्वेश्चन आता है इस पे, इसको कहते हैं हम सिस्टेक्टॉमी. क्या कहते हैं? सिस्टेक्टॉमी, रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर, दैट इज सिस्टेक्टॉमी. ठीक है? यस ओके. यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम लोग को स्फिंक्टर ऑफ ओडाई भी देखने को मिलेगा यहाँ पे, राइट. ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, सारी चीजें कर चुके हैं, ये सारा पार्ट हमारा ऑलरेडी हो चुका है. हेपेटिक पैनक्रियाटिक डक्ट क्या कैरी करेगा? बाइल प्लस तुम्हारा पैनक्रियाटिक जूस, बराबर दोनों चीजें कैरी करेगा. हेपेटिक पैनक्रिया, हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट पैनक्रिया का भी चीजें कैरी करेगा, पैनक्रियाटिक जूसेस एंड तुम्हारे बाइल का भी कैरी करेगा. चलो अब देखते हैं डाइजेशन कैसे होता है. डाइजेशन ऑफ फूड करेंगे, क्या करेंगे? डाइजेशन ऑफ फूड. तो डाइजेशन ऑफ फूड की जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि तुम्हारा प्रोसेस हो रहा है डाइजेशन का. ठीक है, द मैकेनिकल. पहले मैं पूछ लूँ तुम लोग से, क्लियर है कि नहीं? यस गाइस क्लियर है ना सब? कुछ डाउट नहीं ना? विकट नाई? यस सिस्टिकटॉमी, यस. बहुत चेक कर रही हो ना आप मैम, भूत चेक. अच्छा भूत नहीं, नहीं कुछ ना कुछ आवाज़ आ रही है. वो मुझे लगता है डुगू भटक रहा होगा, अकेले है. सो ही इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम ही इज़ लेफ्ट अलोन. और मैम दरवाज़ा थोड़ा सा ऐसे बंद करके रखा है ताकि वो अंदर ना आए, वरना इधर आके बैठ जाएगा. तो वो बेचारा अकेले है हॉल में, तो मैंने लाइट ऑन कर दिया है. सो दैट्स ऑल. बाकी कुछ नहीं, भूत क्या चेक करूँ मैं, आए कब भूत आएगा. चलो डाइजेशन स्टार्ट करते हैं, डाइजेशन ऑफ फूड खत्म करते हैं. ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, ये जल्दी जल्दी करना है. देखो ये बहुत सिंपल है, ये फटाफट जाएगा. खाने को क्या करना है? चबाना है. क्यों? टीथ है हमारे पास, है ना, चबाएंगे. टीथ है, टंग है. टंग क्या करेगा? स्वॉलो करने में हेल्प करेगा. क्या करेगा? स्वॉलो करने में हेल्प करेगा. अभी तुम लोग सपोर्ट करो, फटाफट खत्म करना है लेक्चर. यस टंग क्या करेगा? स्वॉलो करने में हेल्प करेगा. तो पहले जब चबा रहे हो, तुम मैस्टिकेट कर रहे हो, तो सलाइवा उसके साथ मिक्स हो रहा है. सलाइवा क्या हो रहा है? सलाइवा क्या हो रहा है? मिक्स हो रहा है. यस सलाइवा किसके साथ मिक्स हो रहा है? फूड के साथ. तो जब फूड और सलाइवा मिक्स हो जाता है, फूड और एंजाइम्स जब मिक्स होते हैं, उसको कहते हैं काइम. क्या कहते हैं? काइम. किधर है? किधर है? किधर है? इधर कहीं तो लिखा होगा. जब फूड और सलाइवा मिक्स होता है, तो उसको कहते हैं काइम. यहाँ पे क्यों नहीं लिखा है? मुझे से याद है, मैं बोले जा रही हूँ, बट यहाँ पे लिखा था है. चलो देखेंगे, आगे देखेंगे. हाँ तो ये जब म्यूकस, सलाइवा में जो म्यूकस है वो होता है, ल्यूब्रिकेट कर लेता है, खाने को थोड़ा सॉफ्ट बना देता है ताकि घोटने को आसान हो, यानी कि स्वॉलो करने को आसान हो. ठीक है, तो ये बोलस बन गया जो घोटने वाला है, तुम मतलब चबा रहे हो, चबा रहे हो, चबा रहे हो. नाउ इट बिकम्स अ होमोजेनियस सोसाइक राउंड, वो उसको अब तुम घोटोगे, तो स्वॉलो करने के टाइम पे वो बोलस बन जाता है. यस बोलस इज देन कन्वेड इन टू द फैरिंग्स. फैरिंग्स में भेज दिया एपिग्लॉटिस के हेल्प से, राइट. एपिग्लॉटिस उसको हेल्प करता है स्वॉलोइंग को. देर इज अनदर वर्ड कॉल्ड एज डिग्लूटिशन, याद रखना, एमसीक्यूज में पूछा जाएगा डिग्लूटिशन. अब तुम लोगों के आए आए डिग्लूटिशन क्या था? कुछ नहीं, घोटने. वो बस तुम लोग को थोड़ा डिफिकल्ट करना था लेवल स्वॉलोइंग का. स्वॉलोइंग को बोलते हैं डिग्लूटिशन. ठीक है, बोलस फिर जाता है ईसोफेगस में पेरिस्टाल्सिस करते हुए. क्या करते हुए? पेरिस्टाल्सिस, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करते हुए जाता है. ठीक है, सलाइवा जो है, जो सिक्रीट होता है ओरल कैविटी में, वो कंटेन करता है बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स. यस कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स? जैसे कि तुम्हारे पोटेशियम, सोडियम क्लोराइड एंड तुम्हारा कार्बोनेट. यस सारे, इवन सलाइवरी अमाइलेज. क्या? सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम जो होता है, सलाइवरी अमाइलेज. एंड ऑल्सो इट कंटेन्स लाइजोजाइम. और क्या कंटेन करता है? लाइजोजाइम. यार काइम क्यों नहीं लिखा है यहाँ पे? मैंने क्या एक्स्ट्रा बता दिया तुम लोग को? इधर नहीं है काइम? चलो कोई ना. यस
फिर देखो क्या होता है, आप फटाफट फटाफट करेंगे, अरे यहाँ पे एकाइन, ओ यहाँ एकाइन, कोई ना जाने दो, स्टमक में आता है, स्टमक में, माउथ में नहीं, स्टमक में, कंफ्यूज आ गए थे हम थोड़ा। यस तीन, हाँ थैंक यू पीयूष। यस तो अबाउट 30% ऑफ द स्टार्च इज हाइड्रोलाइज, यहीं पे मुंह में ही 30% स्टार्च तो हाइड्रोलाइज हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है, पीएच क्या है, 6.8, पीएच क्या है, 6.8, 6.8 पीएच है। यहाँ पे जो है स्टार्च जो है ये ब्रेक डाउन हो जाता है सलाइवरी अमाइलेज के हेल्प से। यस सलाइवरी अमाइलेज के हेल्प से स्टार्च जो है ब्रेक डाउन हो जाता है। तो सलाइवरी अमाइलेज आया, पीएच क्या है, 6.8, यस स्टार्च ब्रेक डाउन हुआ, ये क्या है, इट इज अ पॉलीसैक्राइड, इट इज अ पॉलीसैक्राइड, स्टार्च क्या है, पॉलीसैक्राइड है। अब ये जो पॉलीसैक्राइड है ये कन्वर्ट हो जाता है माल्टोस में जो कि है डाइसैक्राइड, माल्टोस में जो कि है डाइसैक्राइड माल्टोस, ठीक है। यस वो फर्दर जो है ब्रेक डाउन होता जाएगा, बट एटलीस्ट कुछ तो ब्रेक डाउन हुआ, यानी कि कुछ तो ब्रेक डाउन हुआ, यानी कि क्या, कुछ तो तुम्हारा डाइजेशन शुरू हो गया, मुंह में ही, माउथ में ही डाइजेशन शुरू हो गया। यस तो म्यूकस नेक, यहाँ पे क्या होता है, म्यूकोसा है जो, यहाँ पे तुम्हारा म्यूकोसा लेयर था। यस बहुत सारे लेयर्स थे जो हमने पढ़े थे। तो म्यूकोसा ऑफ द स्टमक हैज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, म्यूकोसा लेयर जो था वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स और फर्दर तीन टाइप है। म्यूकस नेक सेल्स यानी कि ये सिक्रीट करता है म्यूकस, क्या सिक्रीट करता है, म्यूकस। फिर पेप्टिक या फिर चीफ सेल्स जो कि सिक्रीट करते हैं प्रो एंजाइम, पेप्सिनोजन क्या करता है, पेप्सिनोजन ये हेल्प करता है प्रोटीन इसमें, पेप्सिनोजन, सॉरी हाय, अरे डोंट टेल मी, चालू था वीडियो। हाय हाय हाय, सब ठीक, अब सब ठीक। यस कुछ प्रॉब्लम हुआ शायद, नहीं, शायद प्रॉब्लम नहीं हुआ, मेरी माँ आ गई, तो भौंकने लगा तो मुझे दरवाजा खुलने जाना था, तो बस नहीं, और कुछ नहीं, और कोई प्रॉब्लम नहीं, बाकी सब चंगा है। चलो अब आवाजें आएंगी तो पता है कि कौन कर रहा है। ओके सो पेप्सिनोजेन पे थे हम लोग, हम थे पेप्सिनोजेन पे, कि पेप्सिनोजेन जो है, पेप्सिनोजेन में क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। यस और है तुम्हारे पार्शियल, और है तुम्हारे पराई, सॉरी पार्शियल बोल, पराइटल और ऑक्सिंटिक सेल्स। यस ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ये सारे जो है एमसीक्यूज में आते हैं, फिर तुम लोग गुल हो जाते हो कि ये क्या पूछ लिया, ठीक है। ये क्या है, पराइटल या फिर ऑक्सिंटिक सेल्स जो कि सिक्रीट करते हैं एचसीएल, बट ये डायरेक्टली एचसीएल सिक्रीट नहीं करते, एच प्लस एंड सीएल माइनस के फॉर्म में सिक्रीट करते हैं, जो कि बाद में एचसीएल बन जाता है, और उससे ही प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हारा म्यूकस सिक्रीट होता है, ताकि तुम्हारी लाइनिंग प्रोटेक्ट रहे। यस तुम्हारी लाइनिंग प्रोटेक्ट रहे, एंड ऑल्सो वाइटामिन B12, ऑल्सो वाइटामिन B12। हाँ बेटा लेक्चर के टाइम पे तुमको डॉग दिखना है मेरा। हाँ चलो मेरे को कोई बता सकता है वाइट वाइटामिन B12 को क्या बोलते हैं। यस यस वाइटामिन B12 का द नाम ये पता रहना चाहिए तुम लोग को, साइनो बैलकमाइन, क्या है, साइनो बैलामाइन है या बैलकमाइन है, क्या बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ यार, कोई कंफर्म करो, कंफर्म करो जल्दी, कंफर्म करो, इज इट साइनो बाल्कमाइन और साइनो बैलामाइन। आई गेस इट इज साइनो बैलामाइन, क्या लगता है तुम लोगों को, मुझे लगता है बैलामाइन, बैलकमाइन बना दिया मैंने उसको, साइनो बैलामाइन, कंफर्म कर देना जल्दी ही। हाँ कोई बात नहीं, आराम से करो कंफर्म, ये है वाइटामिन B12 का दूसरा नाम, ठीक है। ओके चलो ये हो गया तुम्हारा। अब बात करते हैं काइन के बारे में, काइन तो अभी अभी डिस्कस किया था ना कि फूड जो है मिक्स हो जाता है, ये स्टमक में 4 से 5 घंटे तक रहता है, इसीलिए तुमको रात के डिनर के बाद फटाक से पॉटी नहीं जानी रहती है ना, 4 से 5 घंटे तो आराम से स्टमक में ही ग्राइंडिंग होते हैं। बैलामाइन है ना, देखा देखा मेरे को लगा था, हाँ चलो मैंने बैलकमाइन बना दिया था, थैंक यू सानिया। यस तो ये हो गया काइन। तो यहाँ पे भी प्रो एंजाइम सिक्रेट होता है पेप्सिनोजेन, जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के हेल्प से, मतलब हाइड्रोक्लो पेप्सिनोजेन को एक्टिव रहने के लिए एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए, ठीक है। थैंक्स पीयूष।
एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिडिक एनवायरनमेंट देता है, इसलिए पेप्सिनोजेन जो है क्या करता है प्रोटीन्स को तोड़ देता है, प्रोटियोलाइट कर देता है, यस प्रोटीन्स को तोड़ देता है और उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, प्रोटीन्स को कन्वर्ट कर देता है इनटू प्रोटियोसिस एंड पेप्टोसिस व्हिच आर पेप्टाइड्स बेसिकली, ठीक है, कूल, ओके, नेक्स्ट, म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट प्रेजेंट जो है गैस्ट्रिक जूस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि ये काम करते हैं ल्यूब्रिकेशन का, ये काम करता है प्रोटेक्शन का, तुम्हारा जो एपिथीलियम है अंदर का उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिड है ना तो खराब ना हो जाए, जल ना जाए, ज्यादा कुछ प्रॉब्लम ना हो, डैमेज ना हो सेल्स, इसलिए ये प्रोटेक्ट करते हैं, क्या करते हैं प्रोटेक्ट करते हैं। फिर आते हैं रेनिन पे, रेनिन इज अ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, अगेन रेनिन इज अ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, रेनिन इज इंपॉर्टेंट, रेनिन पे क्वेश्चन आते हैं, रेनिन इज द प्रोटियोलाइटिक एंजाइम फाउंड इन द गैस्ट्रिक जूस, फाउंड इन द गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट्स, इन्फेंट्स में ज्यादा मिलता है क्योंकि वो करता है डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन, कौन सा मिल्क प्रोटीन, मिल्क प्रोटीन यानी कि क्या केजीन है ना, मिल्क प्रोटीन यानी कि एग्जाम्पल केजीन, क्या केजीन, मैम आज क्विज कितने बजे होगा बेटा, क्विज कहाँ होगा, अभी तो चैप्टर खत्म होगा, फिर 9 बजे वापस चैप्टर होगा, फिर 11 बजे वापस चैप्टर होगा, अभी तो ब्रीदिंग भी करना है ना हमें, ब्रीदिंग गैसेस एक्सचेंज ब्रीदिंग, वो भी तो चैप्टर खत्म करना है, चलो। बहुत सारे मूवमेंट होते हैं मस्कुलारिस तुम्हारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, मस्कुलारिस के वजह से बहुत सारे मूवमेंट, इन द सेंस क्या तुम्हारा क्या होता है, पेरिस्टाल्सिस होता है, क्या होता है पेरिस्टाल्सिस, यानी कि रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन मूवमेंट होता रहता है। वहीं पे पैनक्रियाटिक जूस एंड बाइल भी रिलीज हो जाता है हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट के हेल्प से, ठीक है, रिलीज हो गए ट्रिप्सिन, फिर ये सारे नाम याद हो जाने चाहिए तुम लोग को, पैनक्रियाटिक जूसेस में क्या क्या होता है, ट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिनोजेन है, यस, प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज है, देन यू हैव अमाइलेज लाइपेसेस एंड न्यूक्लियसेस, ये सारी चीजें क्या है पैनक्रियाटिक जूस में, ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन, यस, देन यू हैव प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज एंड अमाइलेजेस एंड लाइपेसेस एंड न्यूक्लियसेस, ठीक है। ट्रिप्सिनोजेन क्या करता है, इट एक्ट्स लाइक अ, ट्रिप्सिनोजेन क्या करेगा मैम, हाँ अच्छा वाइटामिन D1 बताया था नीना, हाँ तो देखो क्या होगा यहाँ पे एक स्मॉल, यहाँ पढ़ने से अच्छा अगर मैं स्मॉल वे में शॉर्टकट बता दूँ तुमको तो ये है क्या कि तुम्हारा जो पैनक्रियाज है, यस, ये जो पैनक्रियाज है ये सिक्रीट करता है एंटरोकाइनेज, यस, क्या सिक्रीट करता है एंटरोकाइनेज, और ये एंटरोकाइनेज क्या करेगा, ये ट्रिप्सिनोजेन जो है, यस, ट्रिप्सिनोजेन जो है ये ट्रिप्सिनोजेन को कन्वर्ट कर देगा ट्रिप्सिन में, ठीक है, ये क्या करेगा ट्रिप्सिनोजेन को कन्वर्ट कर देगा ट्रिप्सिन में, ठीक है, ये होता है, ये ही लिखा है तुम्हारे ये वाले लाइन में, नो कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में, ट्रिप्सिनोजेन इज एक्टिवेटेड बाय एन एंजाइम इंट्रोकाइनेज सीक्रेटेड बाय द इंटेस्टिनल म्यूकोसा इनटू एक्टिव ट्रिप्सिन, जो क्या करता है, ये एक्टिव ट्रिप्सिन इज प्रेजेंट इन द पैनक्रियाटिक जूसेस, आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ रहा है, यस, चलो। फिर ये हम लोग देख चुके हैं कि बाइल में लाइपेसेस होते हैं और तुम्हारे इंटेस्ट और ये पिगमेंट्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, बिलीवर्डिन बिलीरूबिन पढ़ चुके हैं जो कि बाइल सॉल्स कोलेस्ट्रॉल फॉस्फोलिपिड्स ये सारे जो हैं, बट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन जो मैं भूल गई थी बताना कि यहाँ पे एंजाइम्स नहीं होते, नो एंजाइम्स, वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर एमसीक्यूज आ जाएगा, ऐसी स्टेटमेंट्स को उठा के एमसीक्यूज आता है। बाइल जो होता है, बाइल रिलीज इन द ड्यूओडेनम कंटेन्स बाइल पिगमेंट बिलीरुबिन बिलीवर्डिन, बाइल सॉल्ट्स होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, फॉस्फोलिपिड्स होता है, बट एंजाइम नहीं होता, और ये किसमें हेल्प करते हैं, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, ठीक है, ओके, बट एंजाइम्स बिल्कुल नहीं होता, याद रखना वो। अब बात करते हैं गॉबलेट सेल्स की, गॉबलेट सेल्स जो है सिक्रीट करता है म्यूकस, गॉबलेट सेल्स इज द ओनली यूनिसेलुलर सेल, हम लोग ये देख चुका था, ओनली यूनिसेलुलर ग्लैंड, गॉबलेट सेल्स इज द ओनली यूनिसेलुलर ग्लैंड जो हमारे इसमें प्रेजेंट होता है, क्या होते हैं एंजाइम्स, डाइसैकेराइड्स फॉर एग्जांपल, माल्टेज, डाइपेप्टिडेज, लाइपेज, न्यूक्लियोसिडेज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये क्या है, ये जूसेस हैं, क्या है, जूसेस हैं जो कि गॉबलेट सेल्स सिक्रीट करता है। इंटेस्टिनल जूसेस का दूसरा नाम सक्सस एंट्रिकस, दूसरा नाम, ये दूसरे नाम भी याद रहने चाहिए, टेबल बना के रखो इसका सबका, इंटेस्टिनल जूस का दूसरा नाम सक्सस एंट्रिकस, ठीक है, क्लियर, यस,
यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? पैनक्रियाटिक जूसेस प्रेजेंट होती है जो कि इंटरनल म्यूकोसा को भी हेल्प करती है प्रोवाइड करने में, एंड ऑल्सो इनका एनवायरमेंट कैसा है? अल्कलाइन, पीएच 7.8, एसिडिक नहीं है, अल्कलाइन है। फिर ये देखो, ये हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ब्रूनर्स ग्लैंड, मैंने उसमें लिखा था सब म्यूकोसल ग्लैंड मिलता है, ब्रूनल ग्लैंड, यस इफ यू गाइस रिमेम्बर, बनाया है, क्या बात है पीयूष, सही है। प्रोटीन्स, प्रोटीओसेस एंड पेप्टोन्स, ये जो चीजें हैं ये पार्शियली हाइड्रोलाइज हो जाती है इन द काइन, ओके, रीचिंग द इंटेस्टाइन, एंड एक्टेड अपॉन प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। तो ये प्रोटीन्स, पेप्टोन्स, प्रोटीओसेस, ये जो है इनपे ट्रिप्सिन, फिर तुम्हारा काइमोट्रिप्सिन, योर कार्बोक्सी पेप्टिडेज, ये सारी चीजें इसके ऊपर एक्ट करती है और बनाती है डाइपेप्टाइड। क्या बनाती है? डाइपेप्टाइड्स, इससे तुम्हारे तुम्हारे सारे के सारे प्रोटीन से हाइड्रोलाइज कर देती हैं और बनाती हैं डाइपेप्टाइड्स। कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट जो स्टार्च होता है वो अमाइलेज एंजाइम से बनता है डाइसैकेराइड्स, ठीक है। पॉलीसैकेराइड जो था, पॉलीसैकेराइड्स डाइसैकेराइड में बदल जाता है, सिंपल हो गया ना, पॉली से डाई बन गया। फैट्स क्या हो जाता है? मोनोग्लिसराइड्स में बदल जाता है, डाइग्लिसराइड्स में बदलता है, यानी लाइपेजेस, लिपिड है ना, ये लिपिड है, इसमें ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल कंपाउंड है, तो कितने ग्लिसरॉल है? फैट्स में ढेर सारे ग्लिसरॉल है, पॉलीग्लिसराइड्स है, तो वो डायग्लिसराइड में बदलता है, फर्दर इट विल गेट इनटू मोनोग्लिसराइड, ठीक है। जो न्यूक्लिक एसिड है, ये सारी चीजें जो हम खाते हैं ना उसके ब्रेकडाउन के बारे में बात करें कि जो न्यूक्लिक एसिड है वो न्यूक्लियेजेस एंजाइम उसके ऊपर एक्ट करता है, न्यूक्लियोटाइड बनाता है, न्यूक्लियोटाइड में से और अगर फॉस्फेट हटा दिया तो न्यूक्लियोसाइड बनाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है? फॉस्फेट हट जा रहा है तो न्यूक्लियोसाइड बन गया। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? फॉस्फेट प्लस शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस, फॉस्फेट निकल गया तो वो बन गया न्यूक्लियोसाइड। अब ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, ये बहुत है इंपॉर्टेंट टेबल है, याद रहना चाहिए तुम लोग को। डाइपेप्टाइड्स, तो डाइपेप्टिडेज अमीनो एसिड बनाएगा, यस। ये क्या है? ये है तुम्हारा डाइमर। अमीनो एसिड क्या है तुम्हारा? मोनोमर, यस। क्या हो गया, छोड़ो। माल्टोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, माल्टोज इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, लैक्टोज इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, सुक्रोज इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ये तुम्हारे बायोमोलिक्यूल्स में होगा ही, बायोमोलिक्यूल्स किया ही होगा, यस। ग्लूकोज ग्लूकोज किया तो माल्टोज, ग्लूकोज गैलेक्टोज किया लैक्टोज, ग्लूकोज फ्रक्टोज किया सुक्रोज, ठीक है। तो माल्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम माल्टेज, लैक्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए लैक्टेज, सुक्रोज को डाइजेस्ट करने के लिए सुक्रेज, यस एवरीवन, समझ रहे हो? देखो यहाँ पे ना तुमको याद करने वाले पॉइंट ज्यादा है। डाई एंड मोनोग्लिसराइड्स को लाइपेजेस से अगर किया तो फर्दर टूटता है मोनोग्लिसराइड और टूटेगा ग्लिसरॉल में, फैटी एसिड में, यस। तुम्हारा सबसे छोटा पार्ट हो जाता है ग्लिसरॉल या फैटी एसिड, ठीक है, ओके। तो ये होते हैं तुम्हारे ब्रेकडाउन जो कि अभी हमने डिस्कस किया, दीज आर द ब्रेकडाउन ऑफ बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स जिसको हम छोटे इसमें तोड़ रहे हैं, और ये कहाँ हो रहा है? डियोडेनम रीजन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में, यस। क्लियर एवरीवन? पक्का पक्का क्लियर? चलो अब जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है, देखो यहाँ पे ये पॉइंट्स बहुत कॉमन सेंस वाला है कि एब्जॉर्प्शन होता है पानी का, ठीक है, मिनरल्स का, और कुछ ड्रग्स भी एब्जॉर्ब कर लेता है जो कि एक्सक्रीटरी सिस्टम से बाहर निकलेगा, ठीक है। सिक्रीशन ऑफ म्यूकस होता है ताकि वो वेस्ट जो इनडाइजेस्टेड पार्टिकल है उसको लुब्रिकेट करता रहे ताकि वो एकदम ही यू नो पानी एब्जॉर्ब हो रहा है तो म्यूकस डालते रहेगा, अगर पानी ज्यादा एब्जॉर्ब हो रहा है तो म्यूकस बनाते रहेगा ताकि भले पानी एब्जॉर्ब हो जाए बट म्यूकस के हेल्प से, यस म्यूकस के हेल्प से वो जो है वो बॉडी में रहे, यस बॉडी में रहे, ताकि क्यों रहे, किसके रहे, ताकि वो जो है इजीली बाहर निकल सके। तो जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है, जो अनएब्जॉर्ब्ड पार्ट है, उसको हमने नाम दिया फीसिस। क्या दिया? फीसिस, प्यार से हम उसको पॉटी बोलते हैं, है ना, यस। सब लोग हंस रहे होंगे, कोई बात नहीं। तो हमने उसको क्या बोला? फीसिस। ये क्या है? अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब्ड पार्ट फीसिस, जो कि सीकम में जमा हो जाता है, सीकम से निकलता है, सॉरी सीकम से एंट्री मारता है और रेक्टम में जमा हो जाता है, यस। कहाँ जमा हो जाता है? रेक्टम में जमा हो जाता है। तो वो जो रिमूविंग वाला पार्ट है, उसको कहते हैं डेफिकेशन, रिमूविंग वाला पार्ट है उसको कहते हैं डेफिकेशन। बाकी इमेज में हम लोग ने ये इसको हाईलाइट किया, इलियोसीकल वाल। क्या? इलियोसीकल
एक्टिविटीज क्या होती है, ये बहुत सारे हार्मोनल कंट्रोल के अंदर होती है। जैसे कि तुमने कुछ स्मेल लिया, जैसे तो जैसे फर्जीन ने बोला मैं मोमोज खा रही हूँ, मैं ऐसे याद कर रही हूँ, हाय हाय ऐसे सॉफ्ट सॉफ्ट रहता है, टेक्सचर ऐसा रहता है, मैंने याद कर लिया, मेरे मुंह में पानी आ गया, क्यों आया पानी? ये हार्मोनल है। मैंने साइट किया, स्मेल किया या इमेजिन किया प्रेजेंस ऑफ फूड का, कि हाय काश मेरे सामने अभी ऐसा रखा होता मोमोज और उसके बगल में शेजवान चटनी है, तो वो क्या हो गया, वो क्या हो गया, तुम्हारा स्टिमुलेट हुआ, मेरा ओरल कैविटी स्टिमुलेट हुआ और सलाइवा सिक्रीट किया, सलाइवा सिक्रीट किया। यस, तो ऐसे बहुत सारे हॉर्मोनल इसके वजह से भी हमारा होता है। अब उसी टाइम पे मैं तुमको बोल दूँ कि यू नो थोड़ा बहुत गंदा एग्जाम्पल देने वाली थी, गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टिनल सिक्रीशंस आर ऑल्सो सिमिलरली स्टिमुलेटेड बाय न्यूरल सिग्नल्स। तुम्हारा गैस्ट्रिक सिग्नल्स, इंटेस्टिनल सिक्रीशंस, ये सारे जो है न्यूरल सिग्नल से ही सिक्रीट होते हैं। प्रोटीन बार सोचो, हाँ पियूष, ये हम लॉकडाउन के पहले करते थे, फिर लॉकडाउन में हमने सोचा कि चलो कोई ना गेन कर लेते हैं ना, तो ये हमने छोड़ ही दिया, छूट गया हमारा, छूट गया, अभी प्रोटीन बार दूर दूर तक नहीं, अभी वो चीज बार। यस, तो ये सारी चीजें हो रही है तुम्हारे एलिमेंट्री कनाल में। अब देखो ये पार्ट जो है, ये देखो ये पार्ट कैलोरीफिक वैल्यूज ऑफ प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, ये एमसीक्यूज में आता है, नीट में ये चीज आता है, ठीक है। दैट्स सो स्वीट आदित्य, यस। तो ये पार्ट नीट में आता है तुम्हारा कैलोरीफिक वैल्यूज, प्रोटीन से कितना एनर्जी होता है, कार्बोहाइड्रेट से कितना होता है, फैट से कितना होता है, यस। तो ये जो है यहाँ पे तुम देख सकते हो कि किस तरीके से जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो कहाँ कहाँ से मिलती है, तो तुम्हारे जूल्स में या तो लिखते हो या तो तुम कैलोरीज में लिखते हो, मोस्टली हम कैलोरीज लिखते हैं, यस, मोस्टली हम क्या लिखते हैं, कैलोरीज लिखते हैं। हाय शगुफ्ता, हेलो, यस, तुम्हारा कंटिन्यू है, सही बात है बेटा, सही बात है, तुम पढ़ा नहीं रहे ना बैठ के 6-6 घंटे, इसलिए तुम्हारा कंटिन्यू है, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। This is often measured as calories या फिर joules, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, कितना amount of energy तुमको लगता है 1 gram of water को 1 degree, मतलब you know 1 gram of पानी है और उसको 1 degree Celsius बढ़ाने के लिए कितना energy गया, उसको हम लोग क्या कहते हैं, the amount of heat energy which is required, yes that is the amount of heat energy which is required, yes। और यहाँ पे तुम्हारा और भी values है, दैट इज किलो कैलोरीज, किलो कैल और किलो जूल्स, ठीक है। सो 1 kilocalories इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, 1 kilocalorie मतलब क्या, कि 1 kg का पानी को 1 degree Celsius बढ़ाने के लिए जो एनर्जी लगा उसको कहते हैं 1 kilocalories, ठीक है। 1 kilo पानी को 1 degree Celsius बढ़ाने के लिए जो लगा वो है 1 kilocalories, ठीक है। न्यूट्रिशनली रेफर टू एज किलो कैलोरी या जूल्स, ऑलवेज कैपिटलाइज फॉर्म में यूज करते हैं, ठीक है। बाकी सारी चीजें बहुत सिंपल है कि कंबशन होता है, खाने का कंबशन होता है, खाना बर्न होता है तब जाके हमको एनर्जी मिलती है, क्योंकि खाना हमारा फ्यूल है, उसको हम बर्न करते हैं, ऑक्सीजन डालते हैं तब जाके हमको खाने मिलता है, यस। द एक्चुअल अमाउंट ऑफ एनर्जी 1 gram ऑफ फूड इन द साइकोलॉजिकल वैल्यू ऑफ फूड, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, कार्बोहाइड्रेट का कितना है, ये एमसीक्यूज में इतना ही पूछते हैं, ऊपर का इतना कुछ नहीं। कार्बोहाइड्रेट का कितना है, कार्बोहाइड्रेट का है 4.1 kilocalories, प्रोटीन का कितना है 5.65 kilocalories, फैट्स का कितना है 9.45 kilocalories पर ग्राम, पर ग्राम भूलना नहीं, ये सारा सारा पूरा वैल्यूज है, ठीक है। फिजियोलॉजिकल वैल्यू क्या है, कार्बोहाइड्रेट का 4 kilocalories पर ग्राम, प्रोटीन्स का भी 4 kilocalories, बट फैट्स का कितना है 9 kilocalories पर ग्राम, ठीक है। बस इतना ही था। अब बात करते हैं एब्जॉर्प्शन की, कि किस तरीके से एब्जॉर्ब होता है और फिर खत्म हो जाएगा, इजीली जल्दी से खत्म हो गया आपका, है ना, टाइम पे खत्म हो रहा है, टाइम पे नहीं, थोड़ा 10-15 मिनट और लगेगा। डाइजेशन जो पास होता है म्यूकोसा लेयर पे, ब्लड वेसल्स होते हैं, लिम्फ होते हैं, तो फिर क्या होता है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, ये सारे मोनोसैकेराइड्स में बदल जाते हैं, यानी कि जो तुम्हारा डाइसैकेराइड्स है, पॉलीसैकेराइड्स है, वो कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाते हैं सिंपल इसमें, यस, ये क्या हो जाते हैं, सिंपल इसमें ब्रेक डाउन हो जाते हैं और डिफ्यूजन करने लगते हैं, ताकि क्या होगा, तुम्हारा एब्जॉर्प्शन होगा, यस। एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, डिफ्यूजन करके होता है, राइट। तो पैसेज जो होता है जहाँ पे ये ब्लड में एंटर कर रहा है एसिमिलेशन करने के लिए, क्या करने के लिए, एसिमिलेशन करने के लिए, दिस मैकेनिज्म अगर उसमें एनर्जी लगा
अगर उसमें एनर्जी लगा विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन कैरियर, मतलब कैरियर प्रोटीन के हेल्प से वो चीज किया, अपने आप नहीं हो रहा, सिंपल डिफ्यूजन हुआ, अच्छी बात है। अगर सिंपल डिफ्यूजन नहीं हुआ, कुछ तुमको एनर्जी लगी, जैसे ग्लूकोज में अमीनो एसिड, इसमें क्या एनर्जी लग रही है, कैरियर प्रोटीन लग रहा है, तो उसको कहेंगे फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। क्या कहेंगे? फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। ये सारी चीजें हमने पहले भी की है दूसरे चैप्टर में, यस है ना। चलो, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर जो है वो तो सिंपली होगा यार, ऑस्मोटिक ग्रेडियंट, हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन, हाई कॉन्सेंट्रेशन है इधर, लो कॉन्सेंट्रेशन, तो इधर से इधर पानी चला गया, है ना, सिंपल 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 सिंपल। इसको क्या कहते हैं, अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन, उल्टा जा रहा है तो अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अगर वो अक्रॉस द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जाएगा तो वो पैसिव, अगर वो अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, जिसमें एनर्जी लगेगी। क्या लगेगी? एनर्जी लगेगी। तो कौन कौन से? अमीनो एसिड, मोनोसैकेराइड, जैसे ग्लूकोज हो गया, इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, सोडियम, ये सारी चीज़ें क्या है, ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएंगी, एसिमिलेट करने लगेंगी। क्या करने लगेंगी? एसिमिलेट करने लगेंगी, ठीक है। अब ये जो है, हाँ, फैट्स, फैट्स होते हैं स्टोर मिसल्स के फॉर्म में, यस, फैट्स स्टोर होते हैं मिसल्स के फॉर्म में। मिसल्स यानी कि क्या, तुम्हारा जो फैट्स है वो सेपरेट आउट हो जाता है, फैट्स के जो ड्रॉपलेट्स हैं वो थोड़े सेपरेट आउट हो जाते हैं, यस, फैट्स के ड्रॉपलेट्स थोड़े सेपरेट आउट हो जाते हैं, और उनमें क्या है कि दे रिफॉर्म इनटू वेरी स्मॉल प्रोटीन्स कोटेड फैट ग्लोबुल्स, जिसको हम कहते हैं, जिसको कहते हैं काइलो माइक्रॉन्स। क्या कहते हैं? काइलो माइक्रॉन्स। ये एमसीक्यूज में आता है भाई, मेरे को लगा चैप्टर खत्म होने को आ गया, मैं भूल ही गई थी आगे भी है। काइलो माइक्रॉन्स क्या, जैसे ये फैट ग्लोब्यूल्स है ना, ये फैट ग्लोब्यूल साथ साथ में है, तो इधर एक फैट ग्लोब्यूल सेपरेट हो जाता है और यहाँ पे तुम्हारा जो है ये ऐसे बन जाता है, ये स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। अब इसमें ये जो है ना, ये हेड वो हाइड्रोफिलिक होगा और ये जो टेल है ये हाइड्रोफोबिक होगा और ये फिलिक, ठीक है। ये होता है तुम्हारा मिसल, ठीक है, ये होता है मिसल मॉलिक्यूल। ओके ओके ओके, यस। चलो, ब्लैक टेल्स ये सब डिस्कस कर चुके हैं, तो ज्यादा कुछ डिस्कस करने जैसा है नहीं, ये तुम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि कौन से पार्ट में क्या डाइजेस्ट होता है, माउथ में क्या एब्जॉर्ब होता है, स्टमक में क्या एब्जॉर्ब होता है, पानी, शुगर, अल्कोहल, ये सारी चीजें एब्जॉर्ब होती हैं, तो ये सारी चीजें तुम लोग पढ़ सकते हो, इतना कुछ है नहीं इसमें। अब बात करते हैं डिसऑर्डर्स की, यस, अब बात करते हैं डिसऑर्डर्स की, और फिर उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर है, उसके बाद हमारा चैप्टर खत्म। मुझे ऐसा लगा कि मुझे छींक आने वाली है, सॉरी, ओके, सॉरी सॉरी, ओके गाइस, सो लेट्स कंटिन्यू। हाँ, तो हम बात कर रहे थे, क्या बात करते हैं, हम बात कर रहे थे तुम्हारे डिसऑर्डर्स की, कौन कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं। तो जैसे जॉन्डिस हो गया, जॉन्डिस क्या कब होगा, जब बाइल पिगमेंट जो है एब्जॉर्ब नहीं हो रहे, ब्रेक डाउन नहीं हो रहे, यस, जो है जॉन्डिस में बाइल पिगमेंट्स जो है एब्जॉर्ब नहीं हो रहे, ब्रेक डाउन नहीं हो रहे, तो लिवर में कोई तो प्रॉब्लम है। जॉन्डिस अगर तुमको हुआ है, मतलब कि लिवर में कुछ तो प्रॉब्लम है, जिसमें क्या हो जाता है, जॉन्डिस तुम्हारे पूरे बॉडी में फैल, अरे सॉरी, जॉन्डिस बोलो, तुम्हारा जो पिगमेंट्स हैं बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन, पूरे बॉडी में फैल जाते हैं, यस। इसके बाद कौन सा चैप्टर है सानिया? इसके बाद ब्रीदिंग, 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 यस, ओके। वॉमिटिंग की बात करें, यानी कि उल्टी आना, ओकना, है ना, वॉमिटिंग की बात करें तो उल्टी आना, ओकना, है ना, क्या बोलते हैं उल्टी आने को, एक और एक वर्ड है, कोई बताएगा क्या उल्टी आने के लिए एक और एक वर्ड है, एनीवन? ओ बाय द वे, ये तो भूल ही गए हम लोग, ये भूल गए, टेप वर्म, राउंड वर्म, थ्रेड वर्म, हुक वर्म, पिन वर्म, ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये तुम्हारे अलग अलग इन्फेक्शियस और ये हैं, पार्ट्स हैं, एजेंट्स हैं, यस। तो अभी देखो मैं एक दो का नाम बता रही हूँ, तुम लोग जाके ढूंढो, जैसे एस्कैरिस है ना, राउंड वर्म, एस्कैरिस हो गया राउंड वर्म, यस, टेप वर्म को हम टेनिया बोलते हैं, टेनिया, टेप वर्म को टेनिया बोलते हैं, ऐसे सबका लिस्ट बनाओ, सबका लिस्ट बनाओ, सबका साइंटिफिक नेम लिखो, ये टेनिया हो गया, एस्कैरिस हो गया, तो ये सबका सबका जो है लिख के रहना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाता है, ब्लॉकेज, यहाँ पे देखो बाइल सिक्रीशन हो रहा है, यहाँ पे ब्लॉक, ये भी बोल सकते हैं कि ब्लॉकेज हो गया, क्या हो गया, ब्लॉकेज हो गया, किसका ब्लॉकेज हुआ, हेपैटिक डक का,
किसका? हेपेटिक डक का, ठीक है। वॉमिटिंग यानी कि ओकना, रिफ्लेक्स, कौन सा रिफ्लेक्स, कौन सा रिफ्लेक्स? यस, एमेसिस रिफ्लेक्स, क्या बोलते हैं इसको, एमेसिस रिफ्लेक्स। ये सब पता रहना चाहिए तुम लोग को नाम अभी, मतलब आई एम नॉट सेइंग नहीं पता है तो बहुत कम पता है, बट नीट में कोई भरोसा नहीं है। ये मत सोचो कि ये चीज़ नीट में नहीं दी है तो नहीं होगा, नहीं, वो नीट में दी है, नहीं दी है, लेकिन अगर वो वर्ड है तो तुमको दूसरा वर्ड भी पता रहना चाहिए, ठीक है। यस, ये डायरिया, डायरिया तुम्हारा वाटर बॉर्न डिजीज की वजह से होता है। यस, स्पेशली तुम्हारा ये विब्रियो कोलेरे, यस, तो ये वाटर बॉर्न डिजीज हो गया, इसकी वजह से लूज मोशन होता है, डायरिया होता है, फीकल डिस्चार्ज होता है जिसमें बहुत ज़्यादा पानी रिलीज हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की बीमारी, है ना, आवाज़ को क्या होगा, फीसिस जो है, फीसिस जो है वो रिटेन हो जाता है कोलोन में बहुत टाइम तक, कोलोन में बहुत टाइम तक, तो इसकी वजह से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो जाता है और तुम्हारा फीकल मैटर जो है बहुत ड्राई हो जाता है, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू पास द फीसिस थ्रू द एनस, जिसकी वजह से तुमको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। यस, फिर आते हैं इंजेशन पे। इंजेशन यानी कि जब तुम ये सब जो खा रहे हो ना, तुम लोग को मैंने बोला कि पेट दुखेगा, जिन अजिंक्य समोसे खा रहा है, फर्जीन मोमोज खा रही है, तो मैंने बोला ना तुम तो जब तुम ज़्यादा खा लोगे ना वो चीज़, ज़्यादा खा लोगे तो क्या हो जाएगा, इंडाइजेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंडाइजेशन, यानी कि फूड जो है प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होगा। यस, फूड जो है प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होगा, यानी कि तुमको बराबर से एंजाइम्स नहीं मिलेगी, फिर तुमको थोड़ा ऐसा अनइजीनेस होने लगेगा, रेस्टलेसनेस होने लगेगा, एंजाइटी होने लगेगी, या फिर कभी कभी बहुत ज़्यादा खा लिया तो फूड पॉइजनिंग हो जाता है, अगर गंदा खाना है और बहुत ज़्यादा खा लिया तो। यस, ओवर ईटिंग, स्पाइसी फूड, बहुत तीखा तीखा खा लिया, यस, तो भी तुमको प्रॉब्लम हो सकता है, दैट इज इनडाइजेशन। अब ये लास्ट पार्ट है PEM, यस, दैट इज डाइटरी डेफिशिएंसी, प्रोटीन्स की डाइटरी डेफिशिएंसी। लोड क्यों नहीं हो रहा चैट? यस मैडम, आपका वीडियो इज इनफ फॉर नीट और नॉट? आई एम ट्राइंग माई बेस्ट अदर, बट यू ऑलवेज हैव टू कीप ऑन सी, ओके, आई वॉन्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू इंक्लूड ऑल एक, हाँ, बट अगर तुम ये वीडियो वीडियो प्लस क्विज कर रहे हो तो येस, योर प्रिपरेशन इज गोइंग ऑन ट्रैक, बट अगर तुम 21 में एग्जाम देखने वाले हो, तुम 22 में लिखने वाले हो, तो फिर यू नीड टू स्टार्ट सॉल्विंग मोर एंड मोर क्वेश्चंस, ठीक है। ओनली एनसीईआरटी इज इनफ फॉर नीट और नॉट? मैम प्लीज टेल मी वंस, एनसीईआरटी इज इनफ फॉर नीट? बट एनसीईआरटी में तुम लोग को जो लगता है ना एनसीईआरटी, वैसा नहीं। अभी जैसे हमने ये बहुत कुछ लिखा है ना, ये एनसीईआरटी में नहीं है, मैंने टेनिया लिखा, स्कैरिस लिखा, ब्लॉकेज लिखा, मतलब ये लिखा, एमएसएस रिफ्लेक्ट, ये एनसीईआरटी में नहीं है, बट वॉमिटिंग तो है ना, वॉमिटिंग तो लिखा है तुमको, तो नीट वाले कंसिडर करते हैं अगर वॉमिटिंग लिखा है तो तुमको उसका साइंटिफिक नेम भी पता होना चाहिए, ये होता है विद इन द एनसीईआरटी, समझ रहे हो, इसलिए हम मार खा जाते हैं, हम मार खा जाते हैं, हमको लगता है कि एनसीईआरटी मतलब जो एनसीईआरटी में वर्ड है वही आएगा, नहीं नहीं, कभी कभी उसका अदर वर्ड भी आ जाता है, या उसका कॉम्प्लिकेटेड वर्ड भी आ जाता है, अलग वर्जन, इसलिए मैंने सारी चीज़ें लिखी हैं, दैट्स द रीजन एनसीईआरटी अंडरलाइन सेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट यू अंडरस्टैंड कि एनसीईआरटी में क्या है, प्लस उसके बाहर का क्या क्या चीज़ें आनी है, ओके। सो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट आदर्श टू, यस, चलो ऑब्जेक्टिव बुक कुछ नहीं, तुम एनसीईआरटी अंडरलाइन करो, एमटीजी इसके बुक सॉल्व करो, फिर पहले एनसीईआरटी से स्टार्ट करो, एनसीईआरटी अंडरलाइन करो, एनसीईआरटी फिंगर टिप से स्टार्ट करो, एमटीजी के जो बुक्स होते हैं ना सारे वो सॉल्व करो, फिर उसके बाद इफ यू आर कॉन्फिडेंट, नहीं ये तो एम ही हो जा रहा है मतलब, है ना, तब तुम दूसरे क्वेश्चन पे जाओ। और तुम लोग एक काम करते हो ना, जो तुम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हो बट तुम लोग एक बार सॉल्व करते हो फिर तुम छोड़ देते हो, मत करो वैसा, अपने जो आंसर किए उसको वहाँ पे आंसर मार्क मत करो ताकि तुम लोग वापस कर सको। डोंट सॉल्व अ क्वेश्चन ओनली वंस, एक बार करोगे गलती किया याद रखोगे फिर भूल भी सकते हो, बट व्हेन यू विल डू इट ट्वाइस एक ही पेपर थोड़े टाइम के बाद, दो तीन महीने बाद कि तुमने वो सॉल्व कर चुके बट दो तीन महीने बाद वापस कर रहे हो, इट विल मेक अ डिफरेंस, ओके, सो मेक यूज ऑफ योर पेपर, डोंट वेस्ट इट। चलो सानिया, तुम 23 में, तुम बेटा इधर ही रहो, तुम सब्सक्रिप्शन ले लो 2 साल का, मिलते हैं हम लोग फिर वहाँ पे, ओके। चलो पीएम, बैक टू पीएम, खत्म करना है गाइस, खत्म करना है, नहीं तो फिर अपना वो ब्रीदिंग लेट हो जाएगा। प्रोटीन, एनर्जी, मेटा माल न्यूट्रिशन, प्रोटीन बहुत कम है, बहुत कम है प्रोटीन, तो प्रोटीन कम होने की वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं, तो प्रोटीन कम है जिसके वजह से इन्फेंट्स, चिल्ड्रन, ये सारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जिनकी दो प्रॉब्लम्स होते हैं, एक है तुम्हारा मैरस्मस प्रॉब्लम और दूसरा है
दूसरा है क्वाशियो, यार मेरे को बोलने ही नहीं होता ये, क्वाश्योरकर, कौन सा डिजीज, क्वाश्योरकर एंड मैरास्मस। यस, सो यू हैव मैरास्मस प्रॉब्लम एंड क्वाश्योर। तो मैरास्मस में क्या हो रहा है, डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड कैलोरीज, प्रोटीन्स कम है और कैलोरीज कम है, ठीक है। यस, इन्फेंट्स इन द लेस देन वन, अगर 1 साल से छोटा है, अगर बच्चा 1 साल से छोटा है और अगर मदर का मिल्क ना जल्दी से रिप्लेस कर दिया किसी दूसरे खाने से, यस, यानी कि तुम उसको मदर का मिल्क दे ही नहीं रहे हो, ही इज नॉट गेटिंग नेचुरल मदर का मिल्क, कोलेस्ट्रॉम नहीं मिल रहा उसको, तो उस टाइम पे जो है मैरास्मस होता है। ये किसमें होता है, 1 साल से कम वाले बच्चे में होता है। प्रोटीन डेफिशिएंसी इम्पेयर्स ग्रोथ एंड रिप्लेसमेंट ऑफ टिश्यू प्रोटीन्स, एक्सट्रीम इमेसिएशन ऑफ द बॉडी एंड थिनिंग ऑफ द लिम्स, मतलब एकदम स्किनी हो जाता है, रिंकली हो जाता है, ड्राई हो जाता है, मतलब एकदम वीक हो जाता है बच्चा, उसको कहते हैं मैरास्मस। मैरास्मस में क्वेश्चन क्या आएगा, मैरास्मस में तुमको ये पता रहना चाहिए कि ये किसमें होता है, इन्फेंट्स लेस देन 1 ईयर, उतना ही क्वेश्चन आएगा और कुछ नहीं, ठीक है। चलो, क्वाशियोर कर में क्या होता है, प्रोटीन डेफिशिएंसी है अनऑक्यूपाइड बाय द कैलोरी डेफिशिएंसी, यहाँ पे कैलोरी डेफिशिएंसी भी हो रही है, ठीक है, जो ऊपर था वही है, बट ये क्या है, मोर देन 1 ईयर ऑफ एज, चाइल्ड विथ मोर देन 1 ईयर, 1 साल के ऊपर वाले बच्चे को जो है क्वाशियोर कर हो रहा है, ठीक है, जिसमें क्या हो रहा है, सेम चीज हो रही है, मसल्स ब्रेक हो रहे हैं, मसल्स वीक हो रहे हैं, थिनिंग हो रहा है, मतलब पतले हो जा रहे हैं, एकदम फैट मसल्स चले जा रहे हैं, यस, मतलब मस्कुलर कुछ है ही नहीं, पूरा ब्रेकडाउन हो गया, इसलिए तुमको हड्डियां दिख रही है, लिटरली दे लुक लाइक अ स्केलेटन, यस, ग्रोथ नहीं हो रहा, अभी इतने कैलोरी की डेफिशिएंसी है तो ब्रेन डेवलपमेंट नहीं हो रहा है ना, यस, बट अनलाइक मैरास्मस सम फैट इज स्टिल लेफ्ट इन द स्किन, मोर ओवर एक्सटेंसिव ओडिमा एंड स्वेलिंग ऑफ पार्ट्स आर सीन इन केस ऑफ क्वाश्योरकर, ठीक है। मैरास्मस में एकदम ही चला जाता है, मतलब एकदम वो बच्चा ऐसा मतलब कंकाल दिखने लगता है, स्किन कवर किया ऐसा लगता है, वेर एज इसमें थोड़ा सा फैट रह जाता है, एंड दैट्स इट। समरी जाके तुम लोग आराम से पढ़ना, फुर्सत में पढ़ना, कुछ डाउट रहेगा तो मुझे बताना, एंड दैट्स इट, हमारा चैप्टर खत्म है। बाकी इसका किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, ऐसे स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, तुम लोग खुद से नोट बनाओगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा, और मुझे टैग कर देना नोट बना के, तो मुझे पता चले कि हाँ किसने कितनी मेहनत की है, पता तो चल गया तुम लोगों को कैसे बनाना है नोट्स, इतना तो कुछ मैंने ऐसा कुछ लिखा नहीं है जो तुमको पता ही नहीं है, ये सारी चीज़ें नीचे लिखी है, सारी चीज़ें नीचे लिखी है ना, यस। चलो, विच पार्ट्स आर इंपॉर्टेंट बेटा, और सब ऐसा तो ऑप्शन में तो रखो ही नहीं, बोर्ड नहीं दे रहे हो, बोर्ड में ऑप्शन रखो, यहाँ पे नहीं मत रखो, ठीक है। वैसे अगर स्टिल इफ यू आर आस्किंग देन इट विल बी लाइक, कौन पूछ रहा है, ओडिमा, अरे बेटा ओडिमा मतलब स्वेलिंग, ओडिमा मतलब स्वेलिंग, स्वेलिंग आ जाती है ना, पैर में सूजे सूजे दिखता है, सब पानी भर गया ऐसा लगता है, जो पैर ऐसा लगता है पानी, और हाथ पैर में सब पानी भर गया ऐसा सूजे सूजे दिखता है, वो ओडिमा होता है। हाँ, तो तुम पूछ रहे हो कि कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है, एंजाइम्स पता रहने चाहिए, ग्लैंड्स के नाम पता रहने चाहिए, फिर तुम्हारे कौन कौन से एंजाइम्स कौन सा रिएक्शन कर रहे हैं वो पता रहना चाहिए, तुम्हारा हिस्टोलॉजी पता रहना चाहिए, स्टमक के कौन से पार्ट्स हैं, यस, ऊपर का मॉर्फोलॉजी, सॉरी मॉर्फोलॉजी बोलते हो, सॉरी सॉरी सॉरी, स्ट्रक्चर कि कौन कौन से पार्ट को क्या बोलते हैं, और उसका हिस्टोलॉजी, कौन कौन से टिश्यूज होते हैं, कौन से टिश्यूज में कौन सा एपिथीलियम होता है, यस, उनका फंक्शन क्या है, और क्या इंपॉर्टेंट है, कौन सा सिक्रीशन होता है, कौन से जगह से कौन सा सिक्रीशन होता है, कहाँ पे कौन सा मसल प्रेजेंट है, कौन सा स्पिंक्टर मसल है, वॉलेंट्री है, इनवॉलेंट्री है, यस, और जो जूसेस सिक्रीट होते हैं वो कौन क्या करते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें बस, और क्या बाकी तो सब ठीक है, समझा है, ठीक है। कितने बजे मिलेंगे मैम, हाँ थोड़ा आराम करना है, 9:05 को, हर वीक आँखों में ओडिमा हो जाता है, क्यों बाबा, इन्फेक्शन हो जाता होगा, ओडिमा नहीं होगा फिर, वो ये हो जाता होगा, कंजंक्टिवाइटिस हो जाता है, नॉर्मल बेसिक ऐसा थोड़ा लाइट कंजंक्टिवाइटिस। चलो, डन डन डन, ओके, बाय द वे मैंने ये चीज़ तो बताई नहीं तुम लोग को, अरे ये क्यों ओपन हो जा रहा है बार 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 बार, एक चीज़ तो बताई नहीं मैंने तुम लोग को। अब जो लोग नए ज्वाइन किए हैं बच्चों, यहाँ पे देखो मेरे लिंक्स मिल जाएंगे सारे वीडियोस के, ठीक है, यूट्यूब के लिंक्स मिल जाएंगे और नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है, PDF मिल जाएगा, ओके, तो ये चीज़ तुम लोग देख लेना। बाकी देखो नीट का बैच स्टार्ट हो रहा है ना, तो जल्दी से ज्वाइन कर लो, दिशा बैच है, एक्सक्लूसिव सुपर नर्चर बैच है, यस, देन वी हैव एंथूज बैच, और यहाँ पे आओ,
एंथूज बैच है, ये सारे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, तो जल्दी से जाओ सब्सक्रिप्शन ले लो, अभी तक नहीं लिया है तो मेहरबानी करो जाओ सब्सक्रिप्शन ले लो, येस प्लस सब्सक्रिप्शन या आइकॉनिक। आइकॉनिक मतलब VIP ट्रीटमेंट चाहिए, मतलब पर्सनल, एकदम पर्सनल गाइड चाहिए कोई, तो कि हाँ मैम पर्सनल, एकदम फुल ऑन पर्सनल वाली फीलिंग आनी चाहिए, तो वो आइकॉनिक में मिलेगी। ठीक है, प्लस में जाओगे तो 24 मंथ्स का 56,000 होता है, 12 मंथ्स का 38,500। एक्चुअली मंथली कंपेयर करोगे तो काफ़ी कम है कंपेयर टू योर ऑफलाइन क्लासेस, यस काफ़ी कम है ऑफलाइन क्लास से कंपेयर करोगे तो। प्लस इसके ऊपर तुमको बम्पर ऑफर मिल रहा है, कॉम्बो ऑफर, 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लोगे तो 2 महीने फ्री मिल रहा है, 2 साल का सब्सक्रिप्शन लोगे तो 3 महीने फ्री मिल रहा है। 3 महीने का प्राइस देखो एक बार ज़रा, 17,500, यानी कि तुम अगर 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो 17,500 तुमको पे करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, फ्री में मिलेगा तुमको, यस। बाकी तो और अगर ऑफर चाहिए, यू कैन यूज़ माई रेफरल कोड KJLIFE10। ये रेफरल कोड यूज़ करने के 2 फायदे होंगे, एक दैट आई विल बी हैविंग अ पर्सनल कॉन्टैक्ट विथ यू गाइज, आई विल बी मेंटोरिंग यू, यस KJLIFE10, तो हमारा जूम मीटिंग तो होता रहता है ना, यस मेंटोरिंग तो होता रहता है, तो KJLIFE10 कोड यूज़ करने का एक वो फ़ायदा, दूसरा 10% ऑफ मिल जाएगा, यानी कि अगर तुम 56,000 भर रहे हो तो उसमें से तुम्हारा 5,600 इंस्टेंटली कम हो जाएगा, कितना 5,600, ठीक है, इंस्टेंटली कम हो जाएगा। और अगर फ्री में पढ़ना है तो कॉम्बैक टेस्ट दो, हर संडे होता है 11 बजे, 28 क्वेश्चन होते हैं, 1 घंटे का टेस्ट होता है, कॉम्बैक टेस्ट दो, टॉप 3 में आ जाओ, 100% स्कॉलरशिप ले जाओ फ्री में, 150 में आए भी तो ये एडिशनल डिस्काउंट, तो यहाँ पे ऐसे भी एडिशनल डिस्काउंट, कोड लगा के एडिशनल डिस्काउंट, यस तो सारे जगह पे डिस्काउंट मिल रहा है, तो इसके लिए भी KJLIFE10 कोड यूज़ करके एनरोल करके रखो, हर संडे को होता है तो ये संडे को भी देना परसों, ठीक है। कोड क्या है, KJLIFE10, याद रखना ये कोड और यूज़ कर लेना, ओके ठीक है। बाकी ये लिंक देख लेना ओपन करके, मैं अपडेट कर दूंगी, और जल्द लाइक करो वीडियो, लाइक करो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, यस जितना हो सके, स्पेशली ब्रेकनेक सीरीज शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, सो दैट यू कैन रीच आउट टू मैक्सिमम स्टूडेंट्स, एंड अगर उनको किसी तरीके से हेल्प हो सके सो दैट वुड बी रियली, आई विल बी प्रिविलेज टू डू दैट, एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। सो दैट्स इट फॉर टुडे, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे 9 बजे, 9:05 तक मिलते हैं, 9:05 तक, ठीक है। ओके देन, दैट्स इट, 9 बजे विच टॉपिक, ओके 9 बजे विच टॉपिक, 9 बजे ही रखते हैं, छोड़ो 9:05 नहीं, चालू करते करते 9:05 हो जाता है, ब्रीदिंग, ओके विल बी डूइंग ब्रीदिंग। चलो, अच्छे टीचर्स को यूट्यूब पर रखते हैं और सब्सक्रिप्शन लेने पर क्या बोल रहे हो आकाश? अच्छा मैंने पूरा रीड नहीं करना लायक। नहीं नहीं मैम, कौन कुछ भी बोलते हैं, चलो कि आप मुंह देख लीजिएगा प्लीज, ठीक है स्वामी राम, देख लूंगी मैम, ओके चलो, ओके आया इंस्टाग्राम सब देख लूंगी, और नोट्स डालो, टैग करके नोट्स बनाओ, जरा अच्छे अच्छे कलरफुल नोट्स बनाओ, मिलते हैं हम 9 बजे, थोड़ा ब्रेक ले लो, आराम करो, थोड़ा अभी टाइम है, 40 मिनट का टाइम है, ओके टाटास, बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड कम बैक इन 40 मिनट्स।